अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर की जाए। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है कढ़ाई में, और एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसे मैं कच्चा पक्का फ्राई कर लूँगी। ठीक है, आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसको कच्चा पक्का रखना है। उसके बाद मैंने यहाँ दो आलू लिए हैं, छोटे छोटे से इसके क्यूब्स कर लिए हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। और अब हम आलूओं को प्याज के साथ फ्राई करेंगे, भुनाई करेंगे, बेसिकली इसको अच्छे से पकाएंगे। पूरा हमें गलाना नहीं है, इसको फ्राई करना है। ठीक है, जब इस तरह से फ्राई हो जाएंगे कुछ हद तक, तो फिर हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, रेड कलर का ही लेना है आपने। कोशिश कीजिएगा लाल टमाटर लें बड़े साइज़ का। और छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है जिसे मैंने काट लिया। आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, जूलियन कट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, मैंने इस तरह से काट लिया है। और काटने के बाद मैं क्या करूँगी कि इन सब चीज़ों को आपस में वेल कंबाइन करेंगे, फ्राई करेंगे, आपस में मिक्स करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अच्छी तरह आपने फ्राई करना है, भूनना है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधे आधे ग्लास से भी कम पानी मैंने इसमें ऐड किया है, उसको कवर करके छोड़ दिया है ताकि थोड़ा डन पक जाए, थोड़ा डल हो जाए। ठीक है, खोलने के बाद मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैंने वेजिटेबल मसाला लिया है, मिक्स मसाला, सब्ज़ी मसाला मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने भी ब्रांड का ही यूज़ किया, लेकिन नाम नहीं बता सकते। लेकिन आप किसी भी ब्रांड का जो है लें। और एक टेबल स्पून यानी एक फूल गोभी में है, ये मीडियम साइज़ का एक फूल था गोभी का, जिसमें मैंने एक टेबल स्पून भर के डाला है। ठीक है, और गोभी के फूलों को मैंने इस तरह से काट के अलग कर लिया था, और एक पानी उबाल के मैंने इसका फेंका है। सिर्फ एक दफ़ा मैंने इसको बॉईल किया है अच्छे से, और पानी जो है बॉईल करके फेंक दिया है, डिस्कार्ड कर दिया है। और गोभी को हम इस तरह से मसाले के साथ, आलूओं के साथ अच्छी तरह भूनेंगे। ठीक है, इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छे से भूनेंगे। हमने गलाना नहीं है गोभी को, सिर्फ एक पानी उबाल के फेंकना है। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करूँगी, थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा ग्लास या आधे ग्लास से थोड़ा सा कम पानी मैं इसमें ऐड करूँगी, और इसको कवर करके रख दूँगी पकने के लिए। अब पक जाएगा कुछ देर बाद, जैसे 15 मिनट बाद मैं इसको चेक करूँगी। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, तेज़ आंच पे नहीं पकाना है। ठीक है, जितनी देर में हमारी सब्ज़ी भुन रही है, पक रही है, इतनी देर में आपने जल्दी जल्दी चैनल पे, अगर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ कि आलू जो है वो मैंने गला लिए हैं, यानी कि आलू हमारे गल चुके हैं। ठीक है, डन हो चुके हैं। और फूल गोभी भी हमारी पक चुकी है, डन हो चुकी है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। ठीक है, और अब हम इसको भूनेंगे, इसका पानी जो है हमें ड्राई करना है। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि फूल गोभी को थोड़ा सा मैश कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो उसको खिला खिला भी रख सकते हैं, वरना आप इस तरह से उसको चमचे से हल्का हल्का मैश कर लें, जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, यह आपके ऊपर है टोटली। अब आपने इसकी भुनाई करनी है। मेरे घर में थोड़ी सी मैश खाई जाती है, तो मैं इस वजह से इसको थोड़ा सा मैश कर रही हूँ चमचे की ही मदद से, हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा। अगर आपने नहीं करना तो आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं, ये आपकी टोटली आपके ऊपर चॉइस है कि आपने मैश की भी मतलब बहुत ज़्यादा वैसी खानी है, या फिर खिली खिली फूल पूरे जो है खाने हैं। अब मैं क्या करूँगी, भुनाई करने के बाद उसको कवर करके छोड़ दूँगी। और आप देख सकते हैं, जब मैंने इसको खोला है तो इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और ऑयल जो है वो सेपरेट हो रहा है। अब दोबारा से हम इसको अच्छे से भुनाई करेंगे, और भूनते भूनते हम इसमें, मैंने यहाँ पे हरी मिर्चों को गोल गोल काट लिया है। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, चॉप करके भी डाल सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर ऑप्शनल है। लेकिन इस तरह से डालने से ये बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बनती है। ठीक है, मोटी वाली हरी मिर्च आपने डालनी है, छोटी वाली नहीं डालनी है। ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी, ज़बरदस्त सी बन के तैयार होती है। आई होप कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। इंतहाई सिंपल, इंतहाई आसान, इस गर्मी के मौसम में आप ये बनाएं, बॉयल राइस के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, ये बहुत अच्छी इंस्टेंट रेसिपी है। इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।